हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जी हैं यूपी TSSC की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए हाजिर है। जी हां, आयोग ने अभी अभी एक बड़ी नोटिस जी है जी हां जारी की है। किस परीक्षा संबंधित है नोटिस, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार, उसकी नोटिस जारी कर दी गई। चलिए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। जैसे ही आप विजिट करेंगे, नोटिस बोर्ड में आपको देखना है। नोटिस बोर्ड में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर दिया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 6/2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पे हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया है। अब चलिए आपको सीधे दिखा देते हैं क्या है नोटिस। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 6/19 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग व उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कुल 486 पदों हेतु विज्ञापित प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के बिंदु 8 में बोरिंग टेक्नीशियन के पदों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथा समय पर सूचित करने का उल्लेख किया गया था। तदनुक्रमण में शासन के इतने द्वारा लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पदों का चयन का आधार समूह गा में यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को शासन की स्वीकृति मिल गई थी, जबकि इतने दिनों बाद, यानी कि आप देख सकते हैं कि करीब आयोग 15 दिन के बाद ये नोटिस जारी कर रहा है। तो यहाँ पे 11 मई को आपके जो नोटिस के अनुसार और नियमावली 2017 के अनुसार इंटरव्यू बंद कर दिया गया है, जिसमें आपको सहायक बोरिंग टेक्नीशियन हेतु जो सिलेबस है वो निम्न प्रकार से होगा। हिंदी आपको 15% रहेंगे 15 अंक का, सामान्य ज्ञान आपका 15% रहेंगे 15 अंकों का, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित 30% 30 अंकों की एवं ट्रेड से संबंधित 60% रहेंगे। उस प्रकार से 120 प्रश्न 120 अंक के रहेंगे और 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। हिंदी का सिलेबस आपको समस्त प्रश्न, सामान्य ज्ञान में जो भी होता है वो सब कुछ, सामान्य बुद्धि से संबंधित आपको चीज़ें मिल जाएंगी और ट्रेड से संबंधित। तो ये रही अपडेट आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।